सार्थ ये कह रहा है कि देखिए, सार्थ ईश्वर को नहीं मानता था, जबकि कीर्केगार ईश्वर को मानता था। तो सार्थ का दर्शन केंद्र में है, उसी की बात समझते हैं। सार्थ पहली बात ये कह रहे हैं कि देखो, अगर व्यक्ति हो तो व्यक्ति की तरह रहो, वस्तु मत बनो। कह रहे कि एक होता है व्यक्ति, एक होती है वस्तु। जैसे ये गिलास जो है ये एक वस्तु है, ठीक है। वस्तु का प्रयोग व्यक्ति अपनी इच्छा से जैसे चाहे कर सकता है। अब मैं इस गिलास से कितनी बार पानी पीऊं, ये गिलास मुझे कह नहीं सकता कि नहीं आपने चार बार पानी पी लिया, पांचवी बार क्यों पी रहे हो भाई, ओवर टाइम हो रहा है मेरा, 8 घंटे से पानी पी रहे हो, अब तो 9 घंटे हो गए। ऐसी बात नहीं बोलेगा, पर व्यक्ति बोलेगा। तो सार्थ ने परिभाषा दी कि वस्तु वो है जिसके बनने से पहले तय है कि किसी और के लिए बन रही है। गिलास जब बनाया गया होगा, शेप वेप इस तरह से बनाएगी कि कोई कस्टमर इसको खरीदेगा और इसे इस्तेमाल करेगा। तो गिलास बनने से पहले तय था कि इसका इस्तेमाल होना ही होना है, यूज होना ही होना है। पर व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति जब पैदा होता है तो पहले से तय नहीं होता कि वो क्या करेगा जीवन में, 1000 संभावनाएं लेके पैदा होता है। व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए पूरी सभ्यता, पूरा समाज, कई लोग लगे रहते हैं कि हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारे हिसाब से जिंदगी जिए। लेकिन सार्थ ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीता है, उसमें और वस्तु में कोई अंतर नहीं। अगर कोई आपको यूज करता है, लगातार यूज करता है, और आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में और गिलास में क्या अंतर है? इसलिए व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के फैसले खुद करता हो। जिसके जीवन के फैसले और लोग करते हैं वो वस्तु है। इसलिए उसका पहला संदेश है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्ति होने का महत्व समझे, अपनी प्रामाणिकता समझे। तो व्यक्ति स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होना बहुत खुशी की बात नहीं है, चिंता की बात भी है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। जैसी मैं स्वाधीन हो गया, अब क्या होगा, मुझे अपने सारे फैसले खुद करने होंगे। अभी तक तो यह था कि मेरे फैसले कुछ मेरे पेरेंट्स ने कर दिए, कुछ किसी और ने कर दिए, तो मुझे चिंता कम होती थी। अब मुझे फैसले खुद करने हैं। और फैसला आप जब भी करेंगे जीवन में, निर्णय जब भी करेंगे, कोई भी निर्णय परफेक्ट होगा नहीं। इसको लिख के रख लीजिए, जब भी जीवन में विकल्प आएंगे किसी महत्वपूर्ण मामले में, आप सारे विकल्पों को कितना भी टटोल लें, कितना भी तौल लें उनको, जो विकल्प चुनेंगे उसमें कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होंगी, और जो छोड़ेंगे उसमें कुछ अच्छाइयां कुछ कमियां होंगी ही होंगी। जो चुन लेंगे कुछ दिनों के बाद लगेगा कि गलत चुन लिया, क्योंकि जो नहीं मिला ना वो बड़ा होके दिखेगा। मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। और जो मिला है वो मिट्टी हो जाएगा, उसका महत्व नहीं समझेंगे, ऐसे ही है वो। तो इसे सार्थ ने कहा कि कितना भी सोच समझ के निर्णय कर लीजिए, अधूरापन जीवन में रहेगा ही रहेगा। और इसलिए निर्णय करना चाहिए केवल एक आधार पर, वो है अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा मतलब जो कंशाइंस है हमारी, अंदर की आवाज। अगर किसी भय में निर्णय किया, किसी लालच में किया, तो गलत होके रहेगा। अंतरात्मा के साथ करेंगे तो वो निर्णय सबसे ज्यादा तसल्ली देगा आपको जीवन में, और कोई निर्णय आपको तसल्ली दे नहीं पाएगा। इसे सार्थ कह रहा है, अपनी अंतरात्मा की सुनो, सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा ऑथेंटिकेटेड निर्णय ही जीवन में करो, बाकी मत करो। लेकिन जब वो निर्णय करेंगे उसके बाद भी ये मान के चलो कि हर निर्णय सीमित है, कोई ना कोई अधूरापन उसके बाद भी जीवन में रहेगा ही रहेगा। और यदि मैंने खुद अपने जीवन के फैसले किए, उनसे अधूरापन पैदा हुआ, उस अधूरेपन से भागो मत, उस अधूरेपन को अपने जीवन का हिस्सा मानकर जियो, एक मेडल की तरह सजा के जियो, उससे भागो मत, डरो मत, वो जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये सार्थ के दर्शन का बहुत बेसिक सिद्धांत है। उसने एक शब्द दिया डिह्यूमनाइजेशन, कि शहरों ने, लोकतंत्र ने, बड़ी बड़ी मशीनों ने मनुष्य का महत्व कम कर दिया है। आजकल मनुष्य का महत्व कम होता जा रहा है, कोई पूछता नहीं उसको, वस्तुएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई।